नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान लंबे समय के बाद स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। उनकी मूवी लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज होने के लिए एकदम तैयार है। इस मूवी में करीना कपूर खान भी अहम भूमिका निभा रही है। आमिर खान अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड है, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी से ही बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा कर रहा है। लोग फिल्म को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। आमिर खान के साथ साथ करीना का नाम भी इसमें घसीटा जा रहा है। दरअसल आमिर खान अतीत में कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिन्हें देश विरोधी माना जाता है। कई ऐसे काम कर चुके हैं जो इंडिया में लोगों को रास नहीं आया, और साथ ही उनकी कई फिल्मों को लेकर आरोप लगाया जाता है कि वो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। ये सब कुछ बहुत पहले से चला आ रहा है और अब लोग इसका जवाब उनकी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा को बायकॉट करके देना चाहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग क्या क्या कह रहे हैं और क्यों। आपको बता दें कि लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग तुर्की में भी हुई थी। साल 2020 में आमिर खान वहां पर थे और वहां के राष्ट्रपति की वाइफ से मुलाकात की थी। सोशल मीडिया पर जैसे ही उनकी फोटो सामने आई, हंगामा मच गया। लोगों ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के बाद भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश में जाकर आमिर का मिलना उन्हें रास नहीं आ रहा है। आमिर खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनकी वाइफ किरण राव को देश में रहने से डर लग रहा है। इस बयान के बाद खूब विवाद हुआ था और उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया गया था। लोगों को वो वाक्य याद आ रहा है और अब वो इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। सिर्फ आमिर खान को ही नहीं, लोग करीना कपूर खान को भी बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। इस मामले में उनका भी नाम घसीटा जा रहा है। उनका एक इंटरव्यू का क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बात कर रही हैं। इस पर एक्ट्रेस ने कहा था कि स्टार किड्स के पीछे लोग ही भागते हैं मत आओ मूवी देखने। अब इस पर लोगों ने भी अपना जवाब दे दिया है। अब वो कह रहे हैं कि हम लाल सिंह चड्ढा देखने नहीं जाएंगे। हाल ही में आमिर खान ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी फिल्म को लेकर बातचीत की है। एक सवाल के दौरान आमिर खान ने कहा कि लोगों को लगता है कि मैं भारत को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे बुरा लग रहा है, लोगों ने मेरी फिल्म का बायकॉट कर रहे हैं। कृपया मेरी फिल्म को बायकॉट ना करें, मेरी फिल्म को देखें। ये वीडियो देखने के बाद इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्ट लाइव। धन्यवाद।